क्लास सेवेंथ फ्रॉम एमएल अग्रवाल, चैप्टर थर्ड, रैशनल नंबर्स, एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे विथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, वन बाय वन स्टेप। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऐड द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि रैशनल नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रैशनल नंबर को ऐड करने का रूल्स क्या है वो पहले हम एक्सप्लेन कर दें। मान लीजिए सपोज आपके पास रैशनल नंबर, हम यहाँ वेरिएबल फॉर्म पे ले लेते हैं, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट, ये दोनों के लिए एक ही रूल्स होता है। अगर प्लस हो तो ठीक है, अदरवाइज माइनस हो तो भी यही रूल्स लगेगा, आर अपॉन एस। अगर ये दोनों डिफरेंस हैं, हमें अभी सेकेंड नंबर में ये मिलेगा, फर्स्ट नंबर में तो नहीं है लेकिन सेकेंड नंबर में अप्लाई होगा। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, और एलसीएम के अकॉर्डिंग इसे सेम करना पड़ेगा। जैसे देखिए फर्स्ट नंबर में आपका सेम है, अगर सेम है तब हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो हमें एलसीएम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर। एलसीएम कब किया जाएगा, जब आपके डिनोमिनेटर सेम ना होंगे। तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करेंगे वो ध्यान से देखिए, ऐड करना है प्लस साइन कर लीजिए, यहाँ पे माइनस है ब्रैकेट कर लीजिए 11। अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो आप एक लाइन ड्रा करिए, फिर भी जैसे एलसीएम करते हैं यहाँ पे 11 लिखिए, क्योंकि इन दोनों का सेम एलसीएम आपका 11 ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो ऊपर का प्रोसेस करते हैं वो कैसे करते हैं, अगर आप पूरा कंप्लीट समझना चाहते हैं तो 11 से 11 को डिवाइड करेंगे, तो 11 वन जा 11 और 1 का इंटू 3 में करेंगे, तो क्या फ़र्क पड़ा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे देखिए प्लस साइन और यहाँ पे क्या है माइनस साइन, हर दो चीज़ मैथमेटिक्स में जब भी आप पढ़िएगा, दो चीज़ों के बीच, चाहे वो वेरिएबल्स हो, नंबर हो, ब्रैकेट हो, कुछ भी हो, उनके बीच इंटू का साइन होता है। जैसे हमारा चैनल का नाम है जे प्री ब्रेंटी क्लासेस, तो हर एक वेरिएबल के बीच में यहाँ पे कौन सा साइन है, इंटू का साइन, सभी के बीच इंटू का साइन है, तभी ये साथ में है। तो यहाँ पे कौन सा साइन है, इंटू का साइन। तो याद रखिएगा सेम साइन का इंटू करेंगे, सेम साइन का जब इंटू करेंगे तो ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट साइन का इंटू करेंगे, ये आपका सेम साइन हो गया, और डिफरेंट साइन मतलब प्लस में माइनस का या माइनस में प्लस का, तो ऑलवेज टाइम भी बिकम्स माइनस साइन, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट साइन है तो प्लस माइनस क्या हो गया आपका, माइनस, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए प्लस और माइनस जहाँ पे, और याद रखिएगा दो चीज़ें कभी नहीं दिखती मैथ में। अभी हमने आपसे बताया कि दो चीज़ों के बीच कोई वेरिएबल से नंबर हो उनके बीच कौन सा साइन होता है, इनटू। और अगर आपसे पूछे कि आगे कौन सा साइन होता है जब आपको कुछ ना दिखे, तो वहाँ पे प्लस का साइन होता है, ये याद रखिएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2x, अब 2 और x के बीच यहाँ पे देखिए दो साइन ऐसे हैं जो नहीं दिखते, इनविजुअल होते हैं, इन दोनों के बीच इनटू का साइन है और आगे कौन सा साइन है, प्लस। जैसे देखिए 3 के आगे कौन सा साइन है, प्लस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन देखिए सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन इसमें आप मिस्टेक कर जाते हैं। सब्ट्रैक्ट कभी भी करिएगा, एक बात हमारी बात हमेशा याद रखिएगा, सब्ट्रैक्ट करने से पहले ये देखिए दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5। 5 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, उस साइन को पहले लिख दीजिए। अब आप जैसा चाहें वैसे माइनस करिए, 3 में 5 करिए चाहे 5 में 3 करिए, 5 में से कर लीजिए 5 माइनस 3 2 2 अपॉन 11, देखिए कोई रॉन्ग हुआ, कुछ भी नहीं। चलिए सेकेंड नंबर देखें। अब ये सेकेंड नंबर के यहाँ पे हम सेंटर में कर लेते हैं प्लस का साइन, और यहाँ पे आपका है माइनस। और एक बात याद रखिएगा, हम इस पूरे एक्सरसाइज में आपको बोलते आ रहे हैं कि डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर है, डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो इसको आप कैसे लिख लेंगे, 4/9 प्लस, ये माइनस आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा, कुछ इस तरह का। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए, एलसीएम वही आपका सेम अगर है तो 9 ही आएगा, और ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमने आपको डिवाइड करके भी दिखा दिया। 9 में 9 का डिवाइड करेंगे 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 में 1 का इंटू करेंगे 4। अब देखिए प्लस माइनस, डिफरेंट साइन का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 5। अब देखिए यहाँ भी आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, जहाँ ना दिखे वहाँ आगे प्लस साइन होता है। देखिए फिर भी सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5। 5 क्या है, कौन साइन है, माइनस। अब आप माइनस कर लीजिए, 5 माइनस 4 1, 1/9, दिस इज़ द आंसर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। देखिए दोनों के पास यहाँ माइनस है तो क्यों ना इसे यहीं पे कैंसिल कर लें, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, ये माइनस आपका ऊपर हो जाएगा।
और प्लस करना है तो यहाँ प्लस साइन, ये आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया है। एलसीएम आपका सेम ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए दोनों प्लस माइनस है फिर सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों में ग्रेटर कौन सा है, फाइव, फाइव क्या है कौन सा है माइनस, माइनस पहले लिख लीजिए, फाइव माइनस टू थ्री अपॉन सेवन। अगर आप ऐसे करेंगे आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका डिफरेंस है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अब वही रूल्स लगेगा जो अभी हम बात कर रहे थे। कौन सा रूल्स, एलसीएम, किसका, डिनोमिनेटर का, फाइव और फोर का एलसीएम करिए। अब श्योर है फोर से कर लेते हैं तो वन हो जाएगा, फाइव से फाइव, फाइव और फोर का इंटू कर लीजिए, ये एलसीएम है, फाइव फोर जा ट्वेंटी। तो सबसे पहले लिखिए एलसीएम आप फाइव एंड फोर। अगर कोई आपसे पूछे कि एलसीएम क्यों करते हैं तो आप उन्हें बोलिएगा इसे सेम करने के लिए, भाई ये देखिए सेम है तो हमें एलसीएम करने की कोई ज़रूरत पड़ी। लेकिन एलसीएम कब करना पड़ता है, जब दोनों डिफरेंस हो, तो फाइव और फोर का ट्वेंटी। अब देखिए आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आपको कोई टफ भी नहीं लगेगा और जल्द से जल्द आप कर लेंगे। इसको आप फिर से लिख लीजिए पास में, क्योंकि पास में होगा तो ज़्यादा ईजी होगा। अब आप क्या करिए, एक लाइन ड्रा करिए उसके जस्ट डिस्टेंस में, इतना डिस्टेंस, और एलसीएम को यहाँ पे लिख लीजिए, एक बार में आपका आंसर होगा, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, ये फाइव जो डिनोमिनेटर है इसको लेके आइए और डिवाइड करिए। चलिए डिवाइड करिए, फाइव वन जा फाइव, टू जा टेन, थ्री जा फिफ्टीन, फोर जा ट्वेंटी, तो कितने टाइम्स, फोर टाइम्स। वो फोर को लेके जाइए, यहाँ पे हम राइट भी कर देते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बताइए फोर टू जा एट, तो यहाँ पे माइनस एट, क्लियर। जैसे यहाँ पे किए वैसे इधर करिए, फोर का डिवाइड करिए ट्वेंटी में, फोर फाइव जा ट्वेंटी, और वो फाइव को लेके जाइए न्यूमरेटर में, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए फिर से प्लस माइनस, हमने आपसे क्या बताया था, ग्रेटर नंबर देखिए, देखिए फिफ्टीन ग्रेटर है, आगे कौन सा है प्लस, प्लस लिख लीजिए। अब फिफ्टीन माइनस एट, एट सेवन फिफ्टीन, तो प्लस सेवन अपॉन ट्वेंटी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सम। अब सम तो एक बहाना है, वर्क तो वैसे ही होगा जैसे हमें क्वेश्चन देगा। तो देखिए डिनोमिनेटर कभी भी माइनस नहीं होता, पहले तो इसे क्लियर कर लीजिए। और हमने आपसे क्या बताया था कि हर दो के बीच इंटू का साइन होता है, तो प्लस और माइनस के इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, डिफरेंस साइन के इंटू हो रहा है ना। अब बताइए क्या ये सम है, नहीं है ना, सब्ट्रैक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो रूल्स वही करेंगे। अब हमने आपसे क्या बताया, डिनोमिनेटर अलग हो तो क्या करेंगे, हम एलसीएम करेंगे। तो चलिए एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम ऑफ 27 एंड 8, तो 27 और 8 का एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 27 8 का कोई रिलेशन है ही नहीं, कैसे, ध्यान से देखिएगा भाई, 2 से करेंगे 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा। अब देखिए 27 तो 27 को ही कर लीजिए ना, ठीक है, 27 8 जा, माफ़ कीजिएगा हमने क्वेश्चन को ही रॉन्ग कर दिया, क्योंकि यहाँ 27 अपॉन 4 है, हमने 4 अपॉन 27 कर दिया, ये रॉन्ग हो गया। चलिए से फर्स्ट फिर से कर लेते हैं, ये हमारा 27 अपॉन 4 है ना, माइनस ऊपर जाएगा, नंबर थोड़ी जाएंगे, ये हो गया। और प्लस और माइनस का हमने इनटू क्या बताया आपका, माइनस 15 अपॉन 8, तो हमें 4 और 8 का करना है ना। अब देखिए एलसीएम अगर आपको जल्द से जल्द जानना है तो ये देखिए इन दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 4 है, क्या 4 के टेबल में ये आता है, बिल्कुल आता है, तो 8 आपका एलसीएम हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा एलसीएम। और आपको चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर लीजिएगा, 8 ही होगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 8, तो क्या आ गया 8। और हमने अभी आपको प्रोसेस क्या बताया कि इसे फिर से लिख लिए 27 अपॉन 4, नेक्स्ट माइनस 15 अपॉन 8, और एक लाइन ड्रा करें जो एलसीएम आए उसको यहाँ पे लिख दें। अब आप वन बाय वन डिवाइड करिए, 4 में 8 का, 4 टू जा 8, जो 2 आया उसका ऊपर आप न्यूमरेटर में उसी का इंटू कर दीजिए, तो 27 टू जा 54, और यहाँ पे माइनस है, 8 का डिवाइड करिए तो 8 वन जा 8, 1 का इंटू करिए, 1 15 जा 15। अब देखिए माइनस और यहाँ भी माइनस, अब याद रखिएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं साइन वही रहता है, इसमें आप ज़्यादा मिस्टेक करते हैं,
बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं माइनस माइनस क्या होता है, सीधे बोल देते हैं प्लस, ये रॉन्ग है, ठीक है। माइनस माइनस कब प्लस होता है साइन, जब इनटू का साइन होता है, ये हमने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया। देखिए माइनस इनटू माइनस तब प्लस होता है, माइनस माइनस नहीं आपका प्लस होता, माइनस माइनस क्या होता है नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। तो 5 4 9 5 1 6 और साइन वही रहेगा, ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे कोई बोले माइनस माइनस नंबर क्या होते हैं तो आप क्या बोलिएगा, माइनस माइनस प्लस नंबर बट वी टेक साइन माइनस साइन, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, फर्स्ट एलसीएम। एलसीएम से पहले इसे सॉल्व कर लीजिए आप, प्लस और माइनस हमने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे इनटू का साइन है तो साइन को पहले सॉल्व कर लीजिए। 18 प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने प्रूफ भी रूल्स भी आपको बता दिए थे, डिफरेंट साइन का मल्टीप्लाई माइनस होगा। अब 18 और 8 का एलसीएम, एलसीएम आप 18 एंड 8 तो आप कर लीजिएगा, इसका एलसीएम आपका 72 आएगा, कुछ इस तरह करके, ठीक है। अब इसे फिर से राइट करिए, माइनस वन अपॉन 18 माइनस 3 अपॉन 8, एलसीएम को थोड़ा डिस्टेंस से करिएगा, 72, 18 फोर जो 72, ठीक है। अब 4 का आप इनटू न्यूमरेटर में, 4 वन जा 4, अब 8 9 जा 72 और डिवाइड करने के बाद 9 आएगा, तो 9 का इनटू आप कर दीजिए न्यूमरेटर, 9 3 जा 27। देखिए दोनों पास माइनस माइनस साइन है, तो अभी हमने जस्ट अभी बताया लास्ट क्वेश्चन पे कि माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। 27 4 31 अपॉन 72, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो मिक्स्ड फॉर्म से पहले हम इसे रैशनल नंबर में कर लेते हैं, तो कैसे करेंगे, 6 का 3 में इनटू, 6 3 जाए 18 और 18 के बाद 1 में प्लस कर दीजिए, तो 19, तो ये 19 अपॉन 6, ये तो आपसे ऑलरेडी आता होगा मिक्स्ड फॉर्म से फ्रैक्शन में बदलना। 8 2 जा 16, 16 3 19, 19 अपॉन 8। अब यहाँ पे देखिए 6 और 8 का एलसीएम 24 होगा, 2 3 जा एंड 2 4 जा, अब 4 से ही कर लीजिए, यहाँ पे 3 कर लीजिए, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 को यहाँ पे करके एलसीएम कर लीजिए, ये एलसीएम हो गया 24, 6 को 24 से डिवाइड करिए, 6 4 जा 24, अब 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में, क्लियर। तो 19 4 जा आपका 76 प्लस 8 का डिवाइड करिए 24 में, 3 जा और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 19 में, 19 3 जा 57। अब देखिए प्लस माइनस है, ग्रेटर कौन सा है, 76, उसका साइन पहले कर दीजिए। अब 6 माइनस 7 आपका 9, 7 16 होगा, अब 6 माइनस 5 1, 19 अपॉन 24, ये आपका आंसर है। चलिए सेम वे पे फोर्थ नंबर करते हैं, पहले मिक्स्ड फॉर्म को रैशनल नंबर में करते हैं, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14 प्लस 10 4 जा 40, 40 प्लस 3 43 अपॉन 10। अब देखिए 5 और 10 का एलसीएम 10 ही होगा, क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है, तो 2 5 जा और ये आपका 5, 5 2 जा 10, एक लाइन ड्रा करिए यहाँ पे 10 कर लीजिए, 5 को लेके आइए 10 में डिवाइड करिए, 5 2 जा 10, 2 को लेके जाइए और न्यूमरेटर में इनटू कर दीजिए, 14 2 जा 28 प्लस 10 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इनटू करेंगे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, 43। दोनों में देखिए प्लस माइनस, ग्रेटर कौन सा, 43 आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस पहले कर लीजिए। अब 8 देखिए यहाँ पे 3 13 माइनस 8 8 5 13, 3 माइनस 2 1 15 अपॉन 10, 15 अपॉन 10 इज द आंसर। या तो फिर आप इसे कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अपॉन 2। और जैसे ये आपका आंसर है, अगर मिक्स्ड फॉर्म बदलना चाहें तो कर सकते हैं, 2 में आप डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना हुआ 1, रिमाइंडर हमेशा ऊपर लिखिएगा और ये आपका डिनोमिनेटर, क्लियर, ये आपका मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 से, जिसे यहाँ पे 3 है, 3 को डिवाइड कर लीजिए, 2 1 जा 2,
देखिए जो क्वेश्चन आता है उसे फर्स्ट पे लिख दीजिए और जो रिमाइंडर आता है उसे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन से आई थिंक पूरी इंडिया में हर एक स्कूल के टीचर्स परेशान होंगे। अब वो परेशान क्यों होंगे उसकी वजह बताते हैं, क्योंकि टीचर्स बार बार बोलते होंगे कि सब्ट्रैक्ट जब भी आप क्वेश्चन प्राप्त करते हैं, फिफ्थ क्लास से प्राप्त करते हैं, एट तक है या नाइन तक भी है, कि सब्ट्रैक्ट रहता है और ये फ्रॉम रहता है। फ्रॉम का मीन्स होता है से, अगर हम इसे हिंदी में बात करें तो से बोलते हैं। तो सब्ट्रैक्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट करिए माइनस सिक्स अपॉन थर्टीन फ्रॉम से, मतलब इससे हमें सब्ट्रैक्ट इसको करना है, ये कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो क्यों परेशान होते हैं टीचर्स, कि वो बार बार यही बोलते होंगे कि इससे इसको माइनस करना है, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम माइनस कर देते हैं और इसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ये वर्ड याद रखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं सब्ट्रैक्ट है तो ये वर्ड ज़रूर आएगा, और इसका मीन्स होता है कि ये जो आपको बैक साइड रैशनल नंबर हो या नंबर कुछ भी हो तो उसे आप फर्स्ट में लिखिए। इसी के वजह से सभी टीचर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, पढ़ाने में नहीं स्टूडेंटों से। स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन इसे चेंज नहीं करते, इसे पहले नहीं लिखते। देखिए जैसे हमने किया, ठीक है, और आपको भी स्टॉप करके यहीं पे यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप ऐसा मिस्टेक कभी मत करिएगा। फ्रॉम मतलब होता है से, यानी इससे इसको माइनस करना है, ये बोला जा रहा है। अब ये सब्ट्रैक्ट का साइन हुआ और इसके पास तो ऑलरेडी माइनस है, और ये देखिए दो साइन के बीच इंटू का साइन है, तो माइनस में माइनस सेम साइन है, सेम साइन के इंटू क्या होता है प्लस, याद रखिएगा। हाँ, ये आपका आया सम। देखिए बात हो रही सब्ट्रैक्ट की और हो क्या रहा है सम, हुआ ना कंफ्यूजन वाली बात। चलिए अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम करने की कोई ज़रूरत नहीं, वही आ जाएगा। अब ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्स्ट नंबर याद कर लीजिए, सिक्स प्लस टेन आप सिक्स प्लस फोर टेन अपॉन 13, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ सेकेंड नंबर, फिर से फ्रॉम है, देखिए फ्रॉम तो ज़रूर रहेगा, यानी इसे आप फर्स्ट में लिखिए, माइनस टू अपॉन थ्री, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन, ये साइन क्वेश्चन का है और इसके आगे भी माइनस का साइन है, तो फिर से लिखिए। ठीक है, ये बात याद रखिए, अगर थोड़ी मिस्टेक करेंगे आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। देखिए ये साइन तो ये है और सब्ट्रैक्ट का ये साइन है, तो पहले इसे सॉल्व कर लें, माइनस टू अपॉन थ्री, दोनों के बीच कौन साइन है इनटू, सेम साइन का इनटू अभी हमने आपसे बताया प्लस होता है, डिफरेंट साइन का इनटू माइनस, प्लस वन अपॉन टू। अब देखिए इसमें आपका डिनोमेटर डिफरेंट है तो एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम थ्री और टू का क्या होता है सिक्स, आप देख लीजिए थ्री टू जा सिक्स, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा करिए, सिक्स कर लीजिए, थ्री को लेके आइए और डिवाइड करिए जैसे सब में किए हैं, थ्री टू जा सिक्स, और वो टू को लेके न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए, टू टू जा फोर माइनस फोर, टू का फिर सिक्स में करिए, टू थ्री जा सिक्स, और वो थ्री को लेके न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए, थ्री वन जा थ्री। अब देखिए प्लस माइनस है ना, तो हमने आपसे क्या रूल्स बताया था, सब्ट्रैक्ट करिए लेकिन उससे पहले ग्रेटर नंबर देखिए, ग्रेटर क्या है फोर, फोर क्या है कौन साइन है माइनस, पहले से लिख दीजिए। अब आप फोर माइनस थ्री आराम से करिए और वन बोल दीजिए सिक्स, ये आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, फ्रॉम है, पहले इसे लिखिए इधर, माइनस टू अपॉन थ्री, सब्ट्रैक्ट का साइन माइनस, फाइव अपॉन नाइन को बैक में कर लीजिए। अब देखिए नाइन और थ्री का एलसीएम, देखिए थ्री के टेबल में नाइन आता है तो नाइन इसका एलसीएम हो जाएगा। रूल्स वही, थ्री को लेके आइए डिवाइड करिए, थ्री थ्री जा नाइन, कितने टाइम्स थ्री टाइम्स, और थ्री का इंटू कर दीजिए न्यूमरेटर में, थ्री टू जा सिक्स, माइनस नाइन में नाइन का डिवाइड वन, और वन का इंटू फाइव में, फाइव वन जा फाइव। अभी हमने आपसे बताया कि माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है, तो सिक्स फाइव इलेवन और साइन वही कर दीजिए अपॉन नाइन। अब आप चाहें तो इसे मिक्स फॉर्म में भी बदल सकते हैं, बाकी ये आपका आंसर है और करना चाहें तो कर सकते हैं। नाइन वन जा नाइन, कितना रिमाइंडर टू, तो टू यहाँ कर दीजिए, डिनोमिनेटर नहीं चेंज होता, तो ये एक तो ये आंसर होगा, ये तो फिर ये होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, यहाँ पे फाइन लिखा हुआ है, तो बात वही है, चाहे वो सम हो सब्ट्रैक्ट उससे क्या मतलब, साइन तो यही डिसाइड करेगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, प्लस हो चाहे माइनस हो, हमें तो एलसीएम ही करना है। चलिए स्टार्ट करें, तो फाइव अपॉन सिक्सटी थ्री नोट करिए।
अब यहाँ पे बताइए दो साइन, यहाँ पे देखिए कौन सा साइन है ये बताइए, इनटू का साइन। हमने आपसे क्या बताया था, हमेशा मैथ में दो चीज़ों के बीच इनटू का साइन होता है। देखिए यहाँ भी इनटू का साइन है, यहाँ भी दो साइनों के बीच इनटू का साइन है, तो यहाँ पे इनटू है, तो सेम साइन का इनटू क्या होता है, हमने आपसे बताया कि सेम साइन का इनटू चाहे माइनस में माइनस करिए चाहे प्लस में प्लस का इनटू करिए, ये दोनों का रिजल्ट प्लस होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बीच में लाइन है और डिफरेंस साइन का माइनस, तो माइनस इनटू माइनस प्लस, 6/21। अब 63 और 21 का एलसीएम, तो देखिए 21 3 जा 63 होता है, 21 के टेबल में 63 आता है, तो आता है तो जो ग्रेटर नंबर होगा वही एलसीएम होगा, आप चाहे तो निकाल लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 63 और 21, तो अगर आप 7 9 जा कर लीजिए 63, 7 3 जा 3 3 जा और ये 3 1 जा है फिर 3, तो देखिए 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 आ गया, वही रूल्स वही रहेगा, डिवाइड 63 में 63 का इंटू डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इंटू न्यूमरेटर में तो 1 5 जा 5, 21 3 जा 63 और 3 का इंटू कर दीजिए आप न्यूमरेटर में, 6 3 जा 18 18 5 23 अपॉन 63, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, -6/13 माइनस माइनस आपका प्लस, 7/15, क्लियर। अब 13 और 15 का एलसीएम आप कर लीजिएगा, इसका एलसीएम होता है 195, क्यों, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, 13 के ना टेबल में 15 आएगा ना 15 के टेबल में 13 आएगा, तो 13 और 15 का इंटू करने में 195 आएगा। अब 13 का आप डिवाइड अगर 195 में करेंगे तो 15 आएगा, आप कर सकते हैं, और 15 का 6 में इंटू कर दीजिए, 15 6 जा 90। अब 15 का 195 में डिवाइड करिए तो 13 आएगा, 13 का इंटू कर दीजिए आप न्यूमरेटर में, 13 7 जा 91। अब देखिए प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, 91, तो उसके आगे कौन सा आएगा प्लस, तो प्लस पहले कर लीजिए। अब 91 माइनस 91 आएगा 1/195, ये आपका आंसर। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, पहले तो इसे मिक्स फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर लें, रैशनल नंबर में, तो 8 3 जा 24 प्लस 1 25/8 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 5 11 11/6। अब 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 24, देखना हो तो आप देख सकते हैं, 8 और यहाँ पे 6 है ना, तो 2 से कर लीजिए, 2 4 जा 2 3 जा, अब ये 4 से कर लीजिए फिर 3 से कर लीजिए, या 2 2 से कर सकते हैं, 4 3 जा 12 12 2 जा 24, 8 3 जा 24, 3 का इंटू 25 में 25 3 जा 75, 6 4 जा 24, और 4 का इंटू कर दीजिए न्यूमरेटर में, 11 4 जा 44। अब दोनों पास प्लस है, प्लस करना तो आसान है, 5 4 9 7 4 11 upon 24, और चाहें तो इसे आप मिक्स फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 24 4 जा 4 4 जा 16 4 2 जा 8 196, तो 96 और उसमें 23 ऐड करेंगे तो 19 119, तो 4 कंप्लीट 23/24। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज 2/5, इफ़ वन ऑफ देम इज -4/7, फाइंड द अदर। मतलब कहने का मीन्स है कि अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करें तो 2/5 होता है, इफ़ यदि वन ऑफ देम उनमें से एक -4/7 है तो दूसरा कौन सा होगा, मतलब उनमें से बता दिया गया है कि दो रैशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर ये है तो दूसरा कौन सा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल लेंगे, देखिएगा तुरंत आपसे बनने लग जाएगा, आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ईजी है। अच्छा ये बताइए, हम आपसे बोले रैशनल नंबर लेकिन नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, हम बोलते हैं दो नंबर का ऐड 8 है सपोज, ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स, रैशनल को कट कर देते हैं, ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8, इफ़ वन ऑफ देम, मान लीजिए हमने यहाँ पे वन ऑफ देम कर लिया 5, तो बताइए दूसरा कौन सा होगा, ऐड करके ला रहा है ना सम, तो बताइए दूसरा कौन सा होगा, बहुत आसानी से बोल देंगे बिना सॉल्व किए, सर 3 होगा,
हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि दो नंबर्स को ऐड करें तो एट होता है, उनमें से एक नंबर फाइव है तो दूसरा कौन सा होगा। बहुत आसानी से आप बोल देंगे सर यहाँ पे थ्री होगा, लेकिन कैसे मैथ से आप बताइए ना सॉल्व करके कैसे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं एक नंबर वेरिएबल कि वो जो सेकंड नंबर है वो x है। कौन सा नंबर है? x। थोड़े देख लिए मान लेते हैं कि वो कौन सा नंबर है, x है। हमें पता है कि 3 है, लेकिन हम देखना चाहते हैं 3 कैसे आएगा। तो हमने वहाँ पे लेट कर लिया x। अब x को यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए और वो 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 5 क्या है, कौन सा साइन है, अभी हम आपको बताते आ रहे हैं। आगे हमेशा प्लस होता जब ना हो तो या ना दिखाई दे दो। तो आप प्लस को ट्रांसफ़र करेंगे तो इतना तो आपको मालूम है, ट्रांसफ़र में प्लस ट्रांसफ़र होता तो क्या बनता है, माइनस। माइनस ट्रांसफ़र होता तो प्लस, इनटू ट्रांसफ़र होता तो डिवाइड, डिवाइड ट्रांसफ़र होता तो इनटू, तो प्लस ट्रांसफ़र होगा तो उधर जाएगा तो माइनस। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, लेकिन 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 दोनों में ग्रेटर कौन सा है, ये जो हम अभी लेकिन करके आपको बता रहे हैं लेकिन साइन के बारे में। अगर आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिए तो आप लाइफ में गलती नहीं करेंगे। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये बात हमारी हमेशा याद रखिएगा कि सब्ट्रैक्ट थोड़ा सा लेट करिए, पहले साइन लिख लीजिए कि दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है। एट है, एट क्या कौन सा है, प्लस, तो एट माइनस फाइव थ्री। देखिए कितनी आसानी से मिल गया। तो क्यों ना हम इसे अप्लाई कर दें इसमें, तो वो नंबर जो आपका सेकेंड नंबर है उसे हम यहाँ पर कर लें। लेट अदर, जो हमें फाइंड करना है, अदर नंबर बी, एक्स ही ले लें जैसे यहाँ पे है, चलिए एक्स ही ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन बोला है कि दोनों को ऐड करें तो क्या मिलता है, टू अपॉन फाइव। देखिए हम एट पहले लिखे थे ना, तो वैसे ही हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने फाइव लिखा था, उनमें से एक नंबर कौन सा है, माइनस फोर अपॉन सेवन, दूसरा एक्स, तो यहाँ पे हम यहाँ भी एक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, फाइव को ट्रांसफ़र किए थे, इसको भी इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसके आगे कौन सा साइन है, माइनस। देखिए प्लस ट्रांसफ़र हुआ तो क्या बना, माइनस, माइनस ट्रांसफ़र होगा तो प्लस। अब बताइए कितना आसान है या नहीं, बिल्कुल बहुत आसान हो गया। एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि सॉल्व तो करना है। सेवन और फाइव का एलसीएम 35, क्योंकि दोनों किसी टेबल में नहीं आते तो इनटू कर दीजिए। फाइव को डिवाइड करिए, फाइव सेवन जा सेवन का इनटू कर दीजिए ऊपर, सेवन टू जा 40, सेवन फाइव जा 35, अब फाइव का इनटू कर दीजिए ऊपर, फाइव फोर जा 20। अब दोनों कॉस प्लस है तो बेहिचक साइन देखने की जरूरत ही नहीं है, 20 टेन 30 34, तो 34 अपॉन 35, ये आपका फाइनल आंसर है। है ना इजी, चलिए तो आप यहाँ पे बता दीजिए 10 अदर नंबर, अदर रैशनल नंबर विल बी क्या होगा, 34 अपॉन 35। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया फिर तो वैसे ही इसको भी कर लेंगे। व्हाट रैशनल नंबर शुड बी एडेड, मतलब ये बोला गया कि रैशनल नंबर में हमें क्या ऐड करना चाहिए, शुड बी यानी चाहिए, बी एडेड, एडेड मतलब ऐड करना चाहिए, किस में, माइनस फाइव पॉइंट ट्वेल्व में। तो टू गेट, गेट मतलब होता है प्राप्त करना, तो हमें क्या प्राप्त हो जाए, माइनस सेवन अपॉन एट। चलिए इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं। अब आप बताइए अगर हम आपसे बोलें कि फाइव में क्या ऐड करना चाहिए कि यहाँ पे 15 हो जाए, सिर्फ इतना उसे बताइए, तो आप फटाक से बोल देंगे ना सर 10 होगा, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, 5 10 15। तो अगर हम यहाँ पे x ले लें तो ले लीजिए और x को यहीं रोक दीजिए, 5 के आगे ऑलरेडी प्लस है, ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो प्लस ट्रांसफ़र होगा तो माइनस, तो 15 माइनस 5 10, वो कौन सा नंबर है, 10, तो यही यहाँ पे कर लीजिए। तो आप लिखिए लेट एडेड बी इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। चलिए व्हाट रैशनल नंबर शुड बी एडेड, किस में ऐड करना है, 5 माइनस 5 पॉइंट 12, ऐड कर दीजिए भाई, क्या ऐड करना है, हम एक्स, तो हमें क्या प्राप्त होता है, माइनस 7 अपॉन 8, यही प्राप्त होता है ना, एक्स को फाइंड करना है, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये माइनस ट्रांसफ़र होगा तो इधर आएगा तो प्लस, 5 अपॉन 12।
अब यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो 8 और 12 का 24 एलसीएम कितना होता है 24। चलिए डिवाइड करिए, 8 थ्री जा 24, 3 का इंटू, अब तो आपको लर्न हो गया होगा कि सर कैसे एरो कर रहे हैं, कैसे करना है, इतना अगर आप वीडियो देख लिए होंगे तो, और आपको कभी भी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। ठीक है, 7 थ्री जा 21 प्लस 12 टू जा 24, 2 का इंटू, 5 टू जा 10। फिर वही बात आ गई ना, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट बाद में करिए, पहले इन दोनों में देखिए ग्रेटर नंबर कौन सा, 21 है ना, आई कौन सा आइन है माइनस, पहले लिख दीजिए 21 में से 10 माइनस गया 11 अपॉन 24। अब मिक्स फॉर्म इसमें हम क्यों नहीं बना रहे हैं, इसमें क्यों नहीं बना रहे हैं, तो याद रखिएगा मिक्स फॉर्म कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का नहीं बनता, किसका बनता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर है तो कभी भी मिक्स फॉर्म नहीं बनेगा, यहाँ पे याद रखिएगा। अब देखिए कहाँ पे हमने बनाया, ये देखिए बनाया, इसमें डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट है इसलिए बना, इसमें क्यों नहीं बना, डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट है इसमें ही ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट का कभी भी मिक्स फॉर्म नहीं बनता। ओके, चलिए 7 नंबर करते हैं, सेम वे इस बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है, व्हाट रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, अभी ऐड किए सब्ट्रैक्ट, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट सब्ट्रैक्टेड बी, वर्क तो वही करना है, सब्ट्रैक्टेड बी इज इक्वल टू एक्स। चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है उसे राइट करते हैं, तो किसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम, फिर से आगे देखिए वही बात हुई ना, टीचर्स परेशान, फ्रॉम लगा है मतलब इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हमें तो ये राइट करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा, फ्रॉम लगा है ना, फ्रॉम मतलब से, तो इससे हमें उससे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 - 2/3 और हमने क्या लेट किया x, तो माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो हमें गेट, गेट मतलब प्राप्त यानी इक्वल, -5/6 सब जगह माइनस है इस बार ध्यान दीजिएगा, और किसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है x, x के पास खुद माइनस है। अब देखिए अगर इसे आप आसान तरीके से करना चाहते हैं तो आपको हम एक ट्रिक देते हैं ध्यान दीजिएगा, अभी हम जितने क्वेश्चन किए हैं x के पास प्लस था तो इधर रखते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए x के पास क्या है माइनस, तो अगर हम माइनस को हटाएं तभी तो x की वैल्यू चाहिए, तो माइनस x को ही ट्रांसफ़र कर दें, तो देखिए माइनस है तो इसको ट्रांसफ़र कर दिए तो यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया। भाई ज़रूरी थोड़ी है कि वैल्यू इधर से ही निकले, इधर से भी तो निकल सकती है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब देखिए इधर पहले क्या लिखा है -2/3 लिख लीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए तो -5/6 है, इधर आ गया तो +5/6 बन गया सेटअप। फिर से रिपीट करना है, हमने x को इधर क्यों कन्वर्ट किया, ट्रांसफ़र क्यों किया, क्योंकि इसके पास माइनस था, अगर हम इसी साइड लिखते तो माइनस x भी लिखते ना, और हमें वैल्यू x की चाहिए, माइनस x की थोड़ी चाहिए, हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें तो ये चाहिए ना, इसलिए हमने उसी को ट्रांसफ़र कर दिया, और जो सोल्यूशन हम इधर करते थे अब इधर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो -2/3 अपनी जगह में, -5/6 ट्रांसफ़र हो गया, प्लस हो गया। अब 3 और 6 कैल्शियम, तो आप अगर इतना क्वेश्चन देखे होंगे तो आप अब बोल भी सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा, 3 के टेबल में 6 आता है तो 6 ही एलसीएम होगा। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6, 2 का इंटू कर दीजिए न्यूमरेटर में, 2 2 जा 4, -4, 6 1 जा 6 और 1 का इंटू न्यूमरेटर, 1 5 जा 5 इक्वल टू एक्स कंटिन्यू। अब देखिए सब्ट्रैक्ट होना है ना, तो हमने क्या बताया था कि सब्ट्रैक्ट बाद में करिए, ग्रेटर नंबर देखिए 5 है, 5 क्या कौन सा है प्लस, प्लस लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लस लिखा करिए, 5 - 4 1 1/6, तो वो कौन सा नंबर है, दस द रैशनल नंबर भी, रैशनल नंबर विल बी क्या होगा 1/6, दिस द फाइनल आंसर। तो सब्ट्रैक्ट एंड ऐड के जितने भी क्वेश्चन थे आपके, हमने एक पार्ट 3.3 में देखिए ऐड फाइंड द सम, वो सब्ट्रैक्ट ही है, प्लस सब्ट्रैक्ट एक ही है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक जितने भी क्वेश्चन थे वो प्लस और माइनस के ऊपर डिपेंड थे, यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट में डिपेंड थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड का है, तो इसे सेकंड पार्ट पे रखते हैं, क्लियर, तो इसके बाद वाला आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो हमने
सेवन नंबर तक का कंप्लीट कर दिया। अब एट नाइन आपका इलेवन ट्वेल्व, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व आपका इनटू और डिवाइड का है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो, तो उसे आप प्लेलिस्ट से ज़रूर देख लीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।